हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था आपका यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 और वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.2 जो कि लैंग्वेज टाइप के सवाल है, भाषा टाइप के सवाल है, तो उसको आज हम करेंगे। और यूनिट सेकंड जो थी आपकी, उसका नाम क्या था आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप जब ये लैंग्वेज वाले सवाल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक चर वाले रैखिक समीकरण ही इसमें बन के आएंगे। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर? इन्हें कहा है यदि आपको किसी नंबर से 1/2 मतलब हाफ, 1/2 मतलब हाफ, अगर आपको किसी नंबर से 1/2 क्या करना है, माइनस करने पर, और उस माइनस करने पर जो रिजल्ट आपको मिले, किसी नंबर से 1/2 को माइनस करने पर जो रिजल्ट मिले उसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या प्राप्त हो, 1/8, तो ऐसा वो कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको वो नंबर लेट करना होगा, नंबर को मानना होगा। तो देखें जरा इस सवाल को, माना वह संख्या बराबर x, लेट द नंबर बी x। तो हमने जो नंबर है उसको क्या कर लिया, x लेट कर लिया, माना वह संख्या बराबर x। According to question, तब प्रश्न अनुसार, अब इसने क्या कहा है, उसमें से 1/2 माइनस करने पर, तो एक्स माइनस 1/2, नंबर जो आपने लेट किया उसमें से 1/2 क्या करना है, माइनस करना है, हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पर जो रिजल्ट आपको मिले उसमें क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1/8 आपको रिजल्ट में, जो फाइनली रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 1/8। क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं इनको बार बार डिक्टेट किया करो तब समझ में आते हैं। एक बार दोबारा फिर देखो क्वेश्चन, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटानी, तो हमने वो संख्या एक्स मान ली, एक्स में से 1/2 घटानी और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन ने कहा वही करते गए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो पहले तो आपने वो नंबर लेट किया कि x, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और उसके रिजल्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो फाइनली आंसर मिला वो क्या मिला, 1/8। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रूप ले लेगा। तो देखा जाए इसको, एक्स माइनस 1/2 इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, मतलब डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी इसकी, 1/8 2/1। ये कहां जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड से वापस मल्टीप्लाई में देके आए तो क्या होगा, 2/1, 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8, एक्स माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/4, तो एक्स इक्वल 1/4, 1/2 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा
वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू। अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर फोर एंड टू, तो एलसीएम आता है फोर। एलसीएम आपको लेना आता होगा, नहीं आता हो तो देखिएगा, इनको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ऐसा नंबर लेना है जो डिवाइड हो जाए दोनों, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर, टू वन जा टू, और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, वन आ जाए। तो ये होता है मिनिमम से मिनिमम नंबर लेते हैं इसमें जो डिवाइड करते जाए और क्या हो जाए उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो बचे या वन बचे, तो ये हो जाएगा टू बन जाए टू। तो रिमाइंडर क्या हो जाए, जब तक वन वन ना आ जाए तब तक हम इसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते रहते हैं। तो टू टू जा फोर, एलसीएम क्या आएगा फोर एंड टू का फोर। और यहाँ एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर कोई नंबर है जैसे वो एक ही टेबल में आते हैं, जैसे टू और फोर टू की टेबल में आ रहे हैं, जैसे टू फोर सिक्स एट और टेन, मैंने ऐसा ले लिया। अब आपको इनका एलसीएम लेने को कहूँ तो आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, टेन आएगा। अगर एक ही टेबल में कोई नंबर आ रहा है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ टू और फोर एक ही टेबल में आते हैं और फोर इनमें क्या है, बड़ा नंबर है, तो फोर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फोर से इस फोर को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम होगा, और जो वन आएगा ना डिवाइड करने पर जो वन आएगा इसका मल्टीप्लाई फोर के ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई वन प्लस। अब टू से फोर को डिवाइड करेंगे तो टू 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 जा फोर होता है, और जो टू टाइम डिवाइड हुआ उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, टू के ऊपर होगा, तो वन इंटू टू हो जाएगा। एक्स इक्वल हो जाएगा वन बन जा वन, और ये आ जाएगा प्लस टू बन जा टू, अपॉन में आ जाएगा फोर। एक्स इक्वल टू प्लस वन थ्री अपॉन में फोर। तो जो नंबर एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है क्या आ रही है, थ्री बाय फोर, और आपने एक्स लेट किया था नंबर, तो वो नंबर क्या है, थ्री बाय फोर है। तो हेंस द नंबर इक्वल थ्री बाय फोर, अतः संख्या बराबर तीन बटे चार। आप इसको चेक करके देखेंगे, आप चेक करके बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन बुक में दे रखी है वो कंडीशन लगाने पर वो चीज हमें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, तो देखें आप इसको, मैं आपको चेक करके भी दिखा सकता हूं। नंबर आपने एक्स नेट किया था और एक्स के प्लेस पर नंबर निकल के क्या आया, थ्री बाय फोर है, तो ऐसा वो नंबर थ्री बाय फोर ही है जिसको जिसमें से 1 बाय 2 को माइनस करने पर और 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन 8, तो मिलता है या नहीं वो भी देखें अपन। तो 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 और मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय 2, ये कंडीशन लगा रहा हूं, एक्स के प्लेस पर क्या रखा, 3 बाय 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 और इनटू में 1 बाय 2, तो 5 अपॉन 4 इनटू 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5 और 4 टू जा 8, लेकिन वन बाय क्या चाहिए था हमें, सॉरी ये यहां से गड़बड़ हुआ है, ये हो जाएगा आपका 3 बाय 4 ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 3 आएगा और ये हो जाएगा 2, ये यहां गड़बड़ हुआ है, इंटू चल रहा है 1 बाय 2, 3 माइनस 2 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2, तो 1 बन जा 1 और 4 टू जाए। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मैं सेटिस्फाई करने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमने नेट किया था कि अब गलत नेट किया था और जो नंबर निकला क्या वो गलत है, तो ऐसा नहीं है, ये हम चेक करके भी देख सकते हैं क्या आया, 3 बाय 4 जो नंबर आया था उसमें से हमने 1 बाय 2 माइनस किया, 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, 1 बाय 8 मिल रहा है, इसका मतलब हमने सवाल सही किया है, जो लेट किया था वो भी सही था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर सेकंड, Thank you.
एक आयताकार तरण ताल की लंबाई, तरण ताल मतलब होता है स्विमिंग पूल, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से भी 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, आयताकार और एक परिमाप, इनका पता होना चाहिए भैया, तब आप सवाल को आगे कर पाएंगे। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, पैरामीटर एक वर्ड सारा है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, और एक बार सारा है क्या रेक्टेंगुलर, ये क्लियर होना चाहिए। तो आयताकार क्या होता है भाई, आयताकार वो चीज होती है जिसकी अपोजिट साइड कैसी हो इक्वल हो। आपका ब्लैक बोर्ड एक कैसा है, आयताकार है, आपने सामने की भुजाएं कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग या दसों भुजाओं का योग, जितनी भी कोई सेप में भुजाएं सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। ध्यान रखना परिमाप केवल भुजाओं वाली आकृति में ही निकलता है, और अगर आकृति गोल हो गई तो वहां परिमाप की जगह पर फिर क्या आने लगता है, परिधि आने लगती, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आयत क्या होता है और परिमाप क्या होता है। अब इसके आपको सूत्र भी याद होना चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ये आपको ये चीजें आपको याद होना चाहिए। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। इसके बाद इसका जो परिमाप होता है जिसका इसमें सूत्र लगेगा, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर वो शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड कैसी हो इक्वल हो, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड है ना, अगर ऊपर की साइड 10 है तो नीचे की भी 10 मीटर होना चाहिए, और अगर यहां आपकी 5 मीटर है तो ये इस साइड भी 5 मीटर होना चाहिए, लगभग इस टाइप का शेप आता है ये, ठीक है। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, ये अगर ए है तो ये ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। इसके बाद बात आती है पैरामीटर, तो ये क्या होता है, सभी साइनों का सम क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वो सब चीजें इसमें यूज होंगी, और ये 2 वर्ड्स अगर इसमें यूज हुए थे तो इनका हमें नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी और आपको ये पता भी थी पहले से। तो आगे देखें, फिर एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करें, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, भाई लंबाई दुगने से 2 मीटर अधिक है किसकी चौड़ाई के, तो पहले तो चौड़ाई पता होना चाहिए तब जाके हम लंबाई की चर्चा कर सकते हैं, है ना, भाई जिससे कंपेयरिंग की गई तो पहले तो उस कंपेयरिंग जिससे कंपेयरिंग की गई पहले तो उसका पता होना चाहिए कि तुलना किससे की गई, अगर आपको तुलना वाला पता है तभी आप नेक्स्ट चीज का अंदाजा लगा सकते हो, और अगर आपको तुलना ही का पता नहीं है तो आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा घर ताजमहल से, ताजमहल की जो आकृति है या ताजमहल का जो साइज है उसके दुगने से 2 मीटर बड़ा है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, ना तो आपने मेरा घर देखा और ना आपने ताजमहल देखा, तो आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आपको इसका अंदाजा लगाने के लिए किसकी जरूरत है, आपको पता होना चाहिए पहले ताजमहल की साइज। तो इसी तरह ही जिससे, क्योंकि मेरे घर की तुलना किससे की गई, ताजमहल से,
इसी तरह आपका यहाँ जो लंबाई की तुलना वो कर रहा है वो किससे कर रहा है, चौड़ाई से कर रहा है। जो लंबाई की जो लेंथ की कंपेयरिंग कर रहा है वो किससे कर रहा है, विड्थ से कर रहा है। तो पहले आपको इसकी विड्थ की नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम विड्थ को लैग करेंगे, इसकी ही अकॉर्डिंग फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, लेंथ पे पहुंचेंगे। और अगर लेंथ और विड्थ हमारे पास है और पैरामीटर उसने परिमाप हमें दे रखा है और जो दे रखा है उसका इसमें क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन निकलेगी वन वेरिएबल की और हम उस इक्वेशन से कहाँ पहुंचेंगे, आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए सर जरा सवाल को, माना चौड़ाई बराबर माना आयताकार तरणता तरणता की चौड़ाई बराबर। अब सवाल मीटर में है, सेंटीमीटर में, सवाल मीटर में है तो चौड़ाई बराबर हो गई एक्स मीटर। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल एक्स। माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई एक्स मीटर है, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल एक्स मीटर। ये चीज आपको याद नहीं करनी है, बुक में दे रखी है, वहीं से इसको यहां पेस्ट करना होगा, है ना। तब लंबाई बराबर देन लेंथ। अब लेंथ में इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई x थी, x का दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दो अधिक है तो ये दो अधिक हो गया, तो ये क्या बन के आ गई लंबाई। उसने कहा था लंबाई चौड़ाई के दुगने से दो अधिक है, जो आपकी लेंथ है वो आपकी ब्रेथ के 2 times 2 more है। तो ये आपकी क्या बन गई, यहां से लंबाई बन गई। एक आयताकार तरण तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 meter अधिक है, तो हमने वही कर दिया, उसकी जो ब्रेथ थी उसके 2 times 2 more कर दिया, तो ये लेंथ बन गई। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू एंड गिवेन पैरामीटर एवं दिया है परिमाप कितना दे रखा, 154 meter। इसका परिमाप आपको कितना दिया है, 154 meter। तो आपको जो परिमाप दिया इसका ही सूत्र लगा दो, इसलिए आयत का परिमाप, therefore पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 length + width। अब आपको ये देख कितना रखा है परिमाप, पैरामीटर तो दे रखा है 154 दे रखा है, तो हम इसके प्लेस पर रखेंगे 154 meter इक्वल टू लेंथ। आपको कितनी गिवन है भाई, लेंथ है एक्स
सॉरी लेंथ आपको जो गिवन है वो है 2x प्लस 2 एंड विड्थ कितनी है वो आपने x लेंथ की है, सॉल्व करेंगे और ये सब भी कायम है मीटर, तो यहां मीटर से मीटर तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को आप यहां ना रखें कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में ही शो करते हैं ना। आगे देखें इसको, वन फिफ्टी फोर इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस टू, वन फिफ्टी फोर ये टू यहां फोर में आ जाएगा इक्वल हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू, टू सेवन या फोर्टीन, टू सेवन या फोर्टीन 77 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 3x, ये 2 भी हमने LHS में ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा 75 इक्वल 3x और या 3x इक्वल 75 तो x इक्वल हो जाएगा 75 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर तो 15 हो जाएगा, 35 जा 15 तो x इक्वल हो जाएगा कितना 25। अतः ये आपने x किसको लेट कर दिया थी चौड़ाई को, अतः चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 25 मीटर, हेंस एवं लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई क्या थी 2x प्लस 2 मीटर तो ये हो जाएगा 2 x के प्लेस पर क्या आएगा 25 प्लस 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 25 टू या 50 प्लस 2 मीटर तो ये हो जाएगा 52 मीटर। तो जो लेंथ है वो कितनी है 20 सॉरी जो लेंथ है वो है 52 मीटर और जो विड्थ है वो कितनी है 25 मीटर। इंग्लिश मीडियम वाले यहां लिखें एंड द लेंथ इक्वल 25 मीटर एंड विड्थ क्या थी 2x प्लस 2 मीटर, ये लेंथ करके चले थे आप x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 25 प्लस 2 मीटर तो ये हो जाएगा 25 टू द 50 प्लस 2 मीटर तो ये आ जाएगा 50 क्या आंसर होगा। तो लेंथ आपके पास कितनी निकली 25 और ब्रेथ कितनी निकली 52। आप इसको चेक करके भी देख सकते हो ये जो आपकी लेंथ है वो क्या आपकी ब्रेथ के 2 टाइम्स से 2 मोर है, तो बिल्कुल है। आपकी ब्रेथ कितनी है 25, 25 टू या कितना होता है देखो ये बनाएंगे अगर हम 25 इंटू 2 प्लस 2 तो 25 टू या 50 और प्लस का 2 तो बिल्कुल कंडीशन निकल रही है, तो आपका आंसर यही होगा क्या लेंथ होगी 25 और लेंथ होगी 52 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन, इनको करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।